नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। दोस्तों, आज मैं एक्सेल के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। आज हम बात करेंगे आपके साथ आउटलुक के बारे में, कि आउटलुक का क्या रोल है। अब आउटलुक में क्या सीखने वाले हैं बता दूं आपको। बेसिकली हमारे एक फ्रेंड ने, एक हमारे स्टूडेंट ने या फ्रेंड जो भी कहिए, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर, मेरे पास जो भी मेल आती है उस मेल का अटैचमेंट जो है मुझे एक पर्टिकुलर फोल्डर में सेव करना है। हालांकि इसके लिए हम आउटलुक की वीपीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग के जरिए चीज को किया था, लेकिन प्रोग्रामिंग उतना सक्सेसफुल नहीं है। इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स थे, तो हमने सर्च किया तो मुझे एक कूटूल्स नाम का एक एडिंस मिला, जिसको हमने इंस्टॉल किया तो मेरा प्रॉब्लम सक्सेसफुल हो गया। अब एक कूटूल्स क्या करता है आपको सही बताते हैं आप, एवो टूल्स या कूटूल्स जो कहिए। तो कैसे एक्सेस करेंगे, तो सबसे पहले आपको इसके वेबसाइट पे जाना होगा। तो गूगल पे भी आप कूटूल्स को शो कर सकते हैं, या फिर इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो हमने आपके वेबसाइट इस वीडियो के नीचे हमने दे दिया है, आप दे सकते हैं। तो इसमें आप कूटूल्स फॉर आउटलुक 11 सर्च कर सकते हैं और इसको आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड होने के बाद फिर इस पर इंस्टॉल कीजिए। अब डाउनलोड होके इसको इंस्टॉल करना तो आई थिंक आपको आता ही होगा, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। जब ये डाउनलोड होके इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर इसको आप अपने आउटलुक को री ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे डेवलपर के बाद दो नए टूल्स, कूटूल्स एंड कूटूल्स पल्स, केयू टूल्स पल्स एंड केयू टूल्स टीएम करके आएगा। ये फ्री है, इसके लिए कोई आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जिसका यूज आप कर सकते हो। इसी में आपके सामने यहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन मिलेगा। ध्यान रखिएगा, के टूल्स पल्स वाले टैब में नहीं, के टूल्स में, मैं पल्स में ढूंढ रहा था, लेकिन के टूल्स वाले में जाइए और इसके अटैचमेंट वाले ऑप्शन पे जाइए और इसके ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन में आप दिखेगा डिटैच्ड एंड सेव। आपको इस डिटैच्ड एंड सेव पे जाना है। डिटेच एंड सेव पे जाना है और इसी यहाँ पे देखिए आपके सामने पाथ है। आप यहाँ पे डिटेच फोल्डर पाथ, एक दो पाथ एंड सेव फोल्डर, दो पाथ जो है इसके अंदर आप डाल दीजिए, डाल के ओके कर दीजिए कि आपका जो अटैचमेंट जो है वो कहाँ पे सेव होगा, ये चीज को आप यहाँ पे एक बार डाल दीजिए, जो कि मैंने यहाँ पे डाल रखा है। यहाँ का ऑप्शन है ओवरराइट ओल्ड फाइल, मतलब कि सेम नाम की फाइल आया तो क्या उसको ओवरराइट कर देगा। ये सारे ऑप्शन से आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे कॉल कर सकते हैं। अब चलिए एक सैंपल हम बताते हैं आपको। मैं एक मेल जनरेट करता हूँ, क्रिएट करता हूँ जो मेल, और यहाँ पे मैं ये मेल मैं खुद को ही भेज रहा हूं। और यहाँ पे हम टेक्स्ट देते हैं टेक्स्ट, और यहाँ हम अटैचमेंट को अटैच कर लेते हैं। अटैचमेंट में मान लीजिए मैं माय पेन को सिलेक्ट कर लिया और हमने इसको सेंड कर। भेज दिया, सेंड रिसीव में आते हैं और मैं यहाँ पे अपडेट फोल्डर पे क्लिक करता हूँ।
तो मैंने डी ड्राइव में 2018 का फोल्डर का अलग पाथ दिया हुआ। मिल गया, सेंड कर दिया आपने। थोड़ा टाइम लगता है आउटलुक को करने में। मिल आ गया, टेस्ट मिल आ गया हमारा। इसमें हमारे पास फाइल माय पैन है। अब मैं जाता हूं अपने डीड। डी ड्राइव में हमारे पास दो हजार अठारह के अंदर इनबॉक्स टेस्ट नाम का फोल्डर आया हुआ है। ये क्या करेगा, हर मेल होंगे, हर मेल का एक नया फोल्डर बनाएगा। देखिए एक और मेल हमने किया हुआ है, तो यहाँ पे फॉरवर्डेड टेस्ट नाम का यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें देखिए माय पैन, जितने भी मेल्स होंगे सबका नया फोल्डर क्रिएट करेगा। उसके अगर अटैचमेंट उसके अंदर है तो। अब फोल्डर क्यों क्रिएट कर रहा है, बात इसलिए उसके फोल्डर जो क्रिएट होगा उसके उसके जो ये है सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट क्रिएट होगा, क्योंकि एक मेल में कई सारे फाइल हो सकते हैं। तो कैसे क्रिएट करेगा कि फाइल है या नहीं। हाँ, रिमूव ओल्ड पे क्लिक कीजिएगा तो फिर क्या करेगा उसको एक ऐसा ओवरराइट ओल्ड पे आप सिलेक्ट कर दीजिएगा तो आपका एक ही फोल्डर रहेगा, अलग अलग फोल्डर नहीं बनेगा। तो आई होप कि जो हमारे एक क्वेश्चनर है उनको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। हालांकि इसको हम वीबीए प्रोग्रामिंग से कर सकते थे, लेकिन वीबीए प्रोग्रामिंग से मैंने किया तो कभी हो रहा था, कभी नहीं हो रहा था, कभी डिबग एरर आ रहा था, तो उसमें प्रॉब्लम थी। अब उनको वीबीए की नॉलेज नहीं है तो हर बार उसकी कैसे एरर हैंडलिंग करते रहेंगे, इसलिए मैंने ये टूल्स दे दिया। अब इस टूल्स की जो डाउनलोडिंग लिंक है वो डाउनलोडिंग लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहां से आप देख लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं सॉल्यूशन फाइंड करके आपके लिए वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।